हेलो एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग गाइस। फाइनली वो वक्त आ गया जहाँ पे है सो हम लोग बैठ के बेबी स्टफ अनबॉक्स करने वाले हैं। सो ऑल दीज पैकेजेस फाइनली ओपन होने वाले हैं। ऑल्सो बेबीज बाबा इज हियर। मेरा प्रेगनेंसी पिलो और ये बॉल जो है मटर्निटी बॉल बोलते हैं, मेडिसिन बॉल बोलते क्या बोलते हैं इसको, खैर जो भी है प्रेगनेंसी बॉल, मेरे से ज्यादा ये आदमी एंजॉय करता है। बस करो उठो सामान खोलना है। एनीवेज अभी शुरू करेंगे। मैं आखिरी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि मैं क्या क्या चीजें मंगाई। ऑलमोस्ट लाइक 45 to 50 चीजा है। अरे यार कौन प्रेग्नेंट है कभी समझ में नहीं आता मेरे को। अब इनको बोलती हूँ बेब आई एम सो टायर्ड, तो ही इज लाइक या मी टू। आई एम लाइक आर यू ग्रोइंग अ बेबी इनसाइड यू, नो सो यू कैन नॉट बी टायर्ड। करिंग है प्लीज लेट्स डू इट, बेबी इज आल्सो वेटिंग। मैं सोच रही हूँ कि अपन छोटे पैकेजेस से शुरू करेंगे। अरे बड़े पैकेजेस थोड़ा खोलने में फिर मजा आता है। नहीं यही खोलो यही खोलो ये खोलो या चलो ठीक है अब बाप की ख्वाहिश है। तो फर्स्ट पैकेज में क्या निकला मालूम, अपना फ्यूचर दिख रहा है मेरे को। दिस इज डायपर चेंजिंग मैट्स। आई हैड अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग कि यही होने वाला है ना। पूरे न्यूट्रल चीजें मंगाई मैं। दिस इज द बेबी नेस्ट, पिलो के साथ आया है। Gonna be like this. इसके अंदर बेबी रहने वाला है in a few weeks. By the way, guys, मेरी ख्वाहिश तो थी कि मैं ये वाला लूँ, but आप इसका प्राइस देख सकते हैं, 15,000 की चीज़ है भाई। बट कोई पॉइंट नहीं है वो लेने का क्योंकि बच्चा विल आउटग्रो इट इन लाइक अ फ्यू मंथ्स। कम्फर्ट भी एक चीज़ है बट प्रैक्टिकलिटी भी एक चीज़ है, इसलिए आई चोज दिस वन। ये भी बहुत अच्छा सॉफ्ट अच्छे कम्फर्टेबल तो दिख रहा मेरे को। What do you think? Do you like this? Yes. Let me pack it right away. देखो गरद आ जाएंगी बोल के बंद कर दे रहे हैं। अरे बच्चा फ्रेश बेड पे सोएगा। वैसे मैं ऐसे कई चीजें इनको बोले बिना ऑर्डर करी, थोड़ी चीजें मैं इनको बताई थी बट दोनों को भी कसम से याद नहीं है कि हम लोग क्या क्या मंगाए, तो इट्स गोना बी लाइक अ सरप्राइज। ओके सेकंड पैकेज बेबी टॉवल है ये। ये मैं थोड़ी ज्यादा ही क्वांटिटी मंगाई हूँ इसकी अलग अलग किस्म के बिकॉज यूजफुल रहने वाला है। क्या सॉफ्ट है, डालो पहली फुर्सत में डालो। डाल रहे पैकेट में डाल रहे। ओके चलो क्या है ये, तुम्हारे काम का चीज है क्या? नहीं मेरा नहीं है ये, बेबी का ही है। सेटाफिल बेबी जेंटल वॉश एंड शैम्पू। मैं ऐसे काफ़ी रिसर्च करी कि अवीनो बोल के एक ब्रांड है एंड सेटाफिल बोल के ब्रांड है। अवीनो अपेरेंटली जॉनसन एंड जॉनसन्स का है जो थोड़े गिचियाँ चल रहे हैं उसके आजकल, तो आई प्रेफर दिस वन ओवर दैट। बेबी प्रोडक्ट्स में ये दो ही ज़्यादा सबसे चलते हैं अपेरेंटली। एंड सम वाइप्स फॉर द बेबीज बट। तो कौन करने वाला ये ड्यूटी, कौन करने वाला है? Have you decided? This man. ये खोलूंगा। ये वाला तुम खोलो। Oh. क्या है ये? This is for you. This. मेरे किस्मत में तुम ही लिखे हैं। Guys ये मेरे maternity क्या बोलते हैं? Maternity clothes. maternity clothes है। तो ये 3 मसलन स्वाडल्स है और भी है स्वाडल्स, लाइक स्वाडल्स एंड टॉवल्स तो मैं इतनी शिद्दत से मंगाई हूँ आई कैन ओपन लाइक अ होल सेल स्टोर। ये सब जाना ही है असल वो हॉस्पिटल बैग में। ये व्हाट इज इट, लिटिल मिरेकल। उतना ही रहने वाला है उन्हें तुम्हारे ऊपर। रहने वाला या रहने वाली है। मैं सोची थी कि दिस कैन बी द फर्स्ट आउटफिट ऑफ द बेबी बट मैं एक और आउटफिट प्लान करके हूँ, अगर वो नहीं हुआ तो दिस वुड प्रोबेबली बी द फर्स्ट थिंग दैट द बेबी वेयर्स। नेक्स्ट वी हैव वनजीज है। ये मेरे को हद से ज्यादा क्यूट दिखे, क्यूट तो मैं बोलना ही बंद कर देना क्योंकि मैं लास्ट ब्लॉग में इतना क्यूट 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 बोली हूँ, बाप रे मैं खुद ऐसे सुन के पक गई। सो बेसिकली एक ज़ेब्रा है, एक जिराफ है एंड एक चीता है। आई लव दिस। लो फोल्ड करके रख दो वापस। अरे ठहरो जी, इनको खाली फोल्ड करके रखो वापस, मुझे इंटरेस्ट है। नेक्स्ट ये किसके लिए है? ये कहाँ से आया? ओह थैंक यू, मेरे लिए है। हाँ ये है तुम्हारे लिए बट मैं ऑर्डर मैं करी ऑर्डर
आई डोंट थिंक आई ऑर्डर दिस. मैं तो बेबी के लिए मेरे लिए ऑर्डर करी थी ये, पता नहीं कॉम्प्लीमेंट्री आ गया शायद तुम्हारे लिए. लो ले लो. कोई तो सोच रहा है मेरे बारे में. Amazon ही सही. कोई तो सोच रहा है मेरे बारे में. ले लो. आई थिंक मैं ये कार्ट में ऐड करके रखी थी एंड दूसरी चीजों के साथ ऑर्डर हो गया ये. गेस करो इसमें क्या हो सकता है, जल्दी गेस करो. इसमें स्वाडल. या ओके अपडेट, ये स्वाडल्स नहीं है, ये चेंजिंग मैट्स हैं. थालियाँ हैं जी ये जुरासिक बेबी की. नेक्स्ट तो ये है पैक ऑफ 3 न्यूट्रल शेड्स जो बड़े ही क्यूट हैं एंड इनमें से एक रहने वाला है द फर्स्ट आउटफिट. तो इस पे मैं सो एम्ब्रॉयडरी कराने वाली हूँ. एक्चुअली क्या लिखाने वाली हूँ वो मेरे को आइडिया नहीं है, बट दिस विल डेफिनेटली बी द फर्स्ट आउटफिट. इन्हों ऐसा कर्ल्ड अप होंगे अभी अंदर, ऐसा ताजुब होता सोच के कि इन्हों फिट कैसा हो रहा है इसके अंदर बोल के. बट या फर्स्ट आउटफिट बेबी ये लास्ट में खोलो. नहीं खोलो ये पहले. नहीं प्लीज, ये तो दिख के आ रहा है कि कैरी कॉट है. तो अभी क्यों खोले, लास्ट में खोलेंगे ना सबसे बड़ा. अरे वो बोरिंग चीज है, नहीं खोलेंगे. बोरिंग कपड़े और फालिया और स्वाडल्स तुम्हारे बोरिंग दिख रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा रहने वाला है बच्चा. कबू इन्फेंट बेबी कार सीट बाय आर फॉर रैबिट. 4-in-1 है ये, कार सीट, कैरी कॉट, रॉकर एंड फीडिंग चेयर. भाई मैं ये सब रिसर्च करके ही ली बहुत ज्यादा. मैं एक्चुअली जोई का लेने वाली थी, थोड़ा इंटरनेशनल ब्रांड था वो, बट मैं बोली कि अपने इंडियन ब्रांड्स भी कम नहीं है. एंड ये भी मेरे को बहुत कंफर्टेबल दिखा एंड ऑलमोस्ट सेम था सब फीचर्स, एवरीथिंग वाज एग्जैक्टली द सेम, पर प्राइसिंग में इतना डिफरेंस था जस्ट बिकॉज उन्होंने इंटरनेशनल ब्रांड है. तो आई वाज लाइक नहीं, सपोर्ट इंडियन ब्रांड, हैशटैग वोकल फॉर लोकल बोल के मैं ये ली. Yeah. This is so cute. Oh my god. No. इन्हें खोलने नहीं दे रहे मेरे को ये. क्या जरूरत है खोलने की, प्लास्टिक में ही रहने दो कहते हैं. अरे अरे डस्ट हो जाता है अभी. 3-point सेफ्टी है इसमें, बट ये कुशन ही बहुत ज्यादा है, लाइक इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल. तो दैट्स गुड फॉर द बेबी. नेक्स्ट व्हाट इज दिस? क्या है ये? टॉवल्स है, फेस टॉवल्स है, छोटे छोटे. एक और बड़ा डब्बा मेरे लिए. तुम इतना जल्दी जल्दी कैसा खोल दे रहे भाई, जरा रुको तो सही, जरा रुको, फेरो जरा, सबर करो. रैटल्स, आई थॉट मैं रैटल्स मंगाई नहीं थी बट मंगाई मैं पैक ऑफ रैटल्स. ये है सो वो है, ब्लैंकेट है ये, वो फ्लीस ब्लैंकेट नहीं रहते एकदम फ्लफी कम्फर्टेबल वाले, इट्स दैट वन. ओके तो ये जो हुडेड टॉवल है बेसिकली इट्स लाइक दिस. बच्चे के मामू आ गए हैं. ऐसा है ये. गंदा कर दिए तुम. हाँ एक्सक्यूज मी, मेरे अंदर से ही आ रहा बच्चा, व्हाट डू यू मीन. ओके सेम है सो, ये सेम वो वाला है. उसको पैक करो पहले. हाँ नहीं करती हूँ. नहीं अब बस अभी नहीं. कैसे है यार तुम लोग? फाइन. डेली लोशन है ये बेबी का. सीताफल नहीं, सेटाफल बोलते हैं उसको. ये क्या है? अल्लाह जबले हैं, छोटे से जबले हैं. लुक एट अब्बास फेस, व्हाट इज जबला. अब्बास ये बेसिकली तुम्हारे और मेरे जमाने के कपड़े हैं, बस बच्चों के कंफर्टेबल घर के कपड़े हैं ये. या ये पैक ऑफ 5 है, एकदम कॉटन और कंफर्टेबल, लाइक डिफरेंट कलर्स. 6 है, पैक ऑफ 6 है एक्चुअली. मैं कुछ भी निकालने डर हो रहा भाई, ये आदमी बात करेगी है सो वापस रैपर में डालो बोल रहा है. बाह ये तो मैं नहीं खोल रही हूँ, ये तो मैं भी चाह रही हूँ कि डस्ट फ्री रहना, सो आई एम जस्ट गोना लीव इट एज इट इज. एज वी अनपैक आवर गिफ्ट्स, एक और डिलीवर हुआ. क्या है? या दिस इज व्हाट आई वांट टू ओपन. व्हाट इज दिस? यू डोंट इवन नो, ये मैं कल ऑर्डर करी. हां तो ये बड़ा है ना, मेरे को खोलने में मजा आएगा. खोलो तुमको नहीं मालूम क्या है. डायपर बैग. इट्स नॉट दैट महंगा वाला बेबी, इट्स अ डिफरेंट वन. डायपर बैग था जो लिटरली 15,000 का था, जो मेरे को होना था, बट इट सेंसलेस था थोड़ा, तो मैं ये वाला मंगाई. हाँ आर यू ओके विद दिस? हाँ दिस इज ओके, दिस इज फाइन. हाँ ठीक है. ये बेब, ये क्या है मालूम? ये किस लिए मालूम? नहीं दिस, हाँ कंगी तो है, बट ये कब यूज होने वाली है मालूम? बेसिकली लेबर पेन मैनेज करने के लिए अपेरेंटली एक कोम टेक्निक रहता,
तो when you're in labor and you're going through so much pain, आप ऐसे इसको अगर प्रेस करें अपने पाम्स में तो माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता कॉन्ट्रैक्शन से. एक्यूप्रेशर टाइप, या एग्जैक्टली. तो कोम टेक्निक बोलते हैं उसको, तो मैं इसीलिए मंगाई. अब जो टेक्निक यूज कर सकते करेंगे, क्योंकि आइडिया तो है नहीं कि कितना पेन होने वाला है. इसका इस्तेमाल तुम बहुत ज्यादा करने वाले हैं फॉर द बेबी. या डायपर चेंजिंग पैड है वो. मेरे से ज्यादा सडनली नो एक्साइटेड हो गए. बात करेगी सब बिना बोले खोल दे रहे चीजें. या बिकॉज़ यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. हां ठीक है, क्या है ये थालियां? तुम्हारे पूरे ये सब चीजें इतनी मिल रही क्या? हां ये क्यूट थालियां मंगाई मैं. ये भी थालियां ही छे. थालियां मैं बहुत ज्यादा मंगाई cuz the baby is going to pee a lot. बस तुम भी, तुम्हारे से भी चेंज करवाऊंगी मैं, डोंट वरी. दिस इज ओ, ये वो वाला है जिसमें बेबी को डाल के ले जा सकते कहीं भी. बेसिकली इसमें रैप करके कैरी कॉट में यहाँ लटा सकते. घर पे भी लटाना है तो इसमें रैप करके लटा सकते. ये ऐसा हुड बनता बेब, कोन के जैसा बनता जी, कोन के जैसा. छोड़ो ये सिमीन भी दी थी, मैं भी मंगा ली थी. ग्रूमिंग किट एंड देन ये एक और ब्लैंकेट है. ये मैं खोलूंगी. नॉट नाउ. नो, आई विल ओपन इट नाउ. ओनली आई विल ओपन इट. प्रो टिप, व्हेन योर वाइफ इज प्रेग्नेंट डोंट आर्ग्यू. यस. अच्छा, और छुरी तुम्हारे हाथ में. थोड़ा स्केरी दिख रहा है ये पैंडा, बट दिस इज अनदर बाथ टॉवल. घर में ऐसे पंखे घुमाएगा तो पता नहीं चलेगा. ओके, तो ये और 3 स्वाडल्स हैं. सम मोर झबलास. ये ज्यादा क्यूट है, लेकिन वो प्लेन थे ना, मसलन है वो, कॉटन थे. एंड ऑल्सो इस पे थोड़े पैटर्न्स हैं. क्यूट है ये. ये मेरे लिए है. दिस इज फॉर द मॉम. हल्लू, मैं तो साइड में थोड़ी चीजें अपने लिए भी मंगा ली आइडिया से. अरे उसमें मिटिन्स भी हैं जी, टोपियां भी हैं, मिटिन्स भी हैं. हाँ सी, ऐसे छोटे छोटे क्यूट क्यूट कैप्स हैं. एंड सम मोर कपड़े. ये फुल स्लीव वाले झबले हैं. तो 1, 2 Bibs or dibs? Bibs. Oh yes. तो ये भी pack of 3 है, ये भी pack of 3 है. So I guess that's it. That is it. तो नहीं बोल सकते. This is like too much. But finally unboxing हो गई सब चीजों की. And अब मैं ऐसा जमा सकती हूँ अपना hospital bag as well as like the baby bag. Like I said starting में कि मैं भूल गई थी मैं क्या क्या मंगाई थी. तो अभी ऐसा refresh करी memory and I was like चलो सब चीज़ा जो होना था वो तो मंगा ली. इसके अलावा भी अगर कुछ जरूरत पड़ी तो फिर मैं on the spot मंगा ले सकती हूँ. But I think I have everything for now. Yeah, let me know how you guys liked it. Obviously I wanted to unbox everything vlog mein, like I said. So agar aap logon ko ye vlog pasand aaya to like karo, share karo, subscribe karo. I will see you guys in the next video. Until then stay safe, stay happy, and don't forget to boys complete it. Aye, inko dekho na, phir packing mein lag gaye. Live untamed. Bye. Yeah.